एवरी वन वेलकम टू ग्रीन बोर्ड मेरा नाम है मनदीप आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास टेंथ के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर की दो वीडियो होंगी ये फर्स्ट वीडियो है इस फर्स्ट वीडियो में चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा इसके अलावा ये सेकंड वीडियो भी होगी इसी चैप्टर की इस सेकंड वीडियो में चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर बुक में है उनको डिस्कस किया जाएगा और इसी सेकंड वीडियो में चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा सो इस सेकेंड वीडियो को भी जरूर देख लेना लिंक आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट पेज से चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन में हमें दिया है इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस न्यू केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेज फॉर्म करते हैं उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा इसका एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा लेकिन एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड से केमिकल रिएक्शन जो भी हुआ होगा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा फिजिकल मेथड आपने क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे जैसे कि डिस्टिलेशन इवेपोरेशन फिल्ट्रेशन सेंट्रिफिकेशन एक्सेट्रा कोई भी फिजिकल मेथड है वो केमिकल रिएक्शन को रिवर्स से? नहीं कर सकता है बिल्कुल आसान है कोई भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर नए सब्सटेंस बनाता है तो उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे और कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है फिजिकल मेथड्स के द्वारा जिनको आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिवस अस वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसें एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं और हमें मिल जाता है एक नया सब्सटेंस वाटर यानी कि पानी यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो सब्सटेंसेज हैं और ये दो सब्सटेंसेज मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाती हैं वाटर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगा अगर हम चाहें वाटर से ऑक्सीजन प्राप्त करना या फिर हाइड्रोजन प्राप्त करना तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ेगा फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सकता है इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी जिनसे वो मिलके बना है जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस है इसी तरह से ऑक्सीजन भी हमारी एक गैस है और जो नया सब्सटेंस बना है इन दोनों गैसेज के रिएक्शन से वो हमारा एक लिक्विड है तो दो गैसेज मिलकर कर एक लिक्विड यहां पर बना रही हैं तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी नई सब्सटेंस की जो भी केमिकल रिएक्शन में बनेगा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बाद आगे हमें दिया है केमिकल रिएक्शन इन्वोल्व्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ चीज़ें शामिल होंगी इन्वॉल्व होंगी इसमें सबसे पहला है चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन जब होगा तो चेंज इन स्टेट हो सकता है स्टेट में चेंज हो सकता है इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने यहीं पर है हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन भी गैस है लेकिन यहाँ पर जो नया सब्सटेंस है वो एक लिक्विड है तो गैस से स्टेट चेंज हो गई है लिक्विड में स्टेट में चेंज हो सकता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा इसे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है चेंज इन कलर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज हो सकता है एग्जाम्पल के लिए आयरन ब्लैक कलर का होता है एयर और मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन करता है और रस्ट हो जाता है ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में भी चेंज चेंज हो सकता है है बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में दिया इन टेम्परेचर जब केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बीकर है इस बीकर के अंदर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो जो भी ये रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में अगर आप बीकर को टच करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं इसे नेक्स्ट पॉइंट में है एवोल्यूशन ऑफ गैस केमिकल रिएक्शन होने के दौरान गैस भी निकल सकती है इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाले जाएंगे तो इस रिएक्शन के दौरान इसमें से एक गैस निकलेगी जो होगी हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन होने पर चार चीज़ें हो सकती हैं स्टेट में चेंज हो सकता है कलर में चेंज हो सकता है टेम्परेचर में चेंज हो सकता है या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के दौरान उसमें से गैस भी निकल सकती है इन चारों पॉइंट्स से, से हम ये पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है इस पेज पर हमने केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ समझा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ लिए हैं अब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरह केमिकल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्जाम्पल्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में दिया है डाइजेशन ऑफ फूड जो भी खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है इसी तरह से सेकेंड पॉइंट में है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं जो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे सेल्स सेल्स तक पहुंचती है है के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाती है जिसे हम बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन हुआ इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना इसके बारे में मैं पीछे वाले पेज पर भी बता चुका हूँ आयरन एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तो वो रस्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में वो चेंज हो जाता है और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है पेंट किया जाता है ताकि वो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हमारे पास एक पतीला दूध है उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें एक चम्मच हमने दही डाल दी सुबह चमत्कार हो जाता है जो दूध था वो पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है चमत्कार नहीं ये केमिस्ट्री है दही बनने का जो प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है इसी तरह से लास्ट में है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स ग्रेप्स का किवर्णन ग्रेप्स को कुछ दिन रखे रहने देंगे तो उनका फर्मेंटेशन होने लगता है गलने लगते हैं तो यह भी एक केमिकल रिएक्शन है ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है गाइज कमेंट करके बताओ मुझे इसके बाद यहाँ पर दिया है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे यहां पर है बर्निंग ऑफ पेपर किसी भी चीज को बर्न करना पेपर को बर्न करना प्लास्टिक को बर्न करना वुड को बर्न करना, ये सभी लिए फूड बनाते हैं सनलाइट की में. ये भी एक है. के बारे में आप बायोलॉजी वाले पार्ट में डिटेल में समझेंगे अभी सिर्फ इतना समझ लो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन होता है नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग केक वही हैप्पी बर्थडे वाला जो केक होता है चैप्टर नंबर टू में एसिड और बेस के बारे में आप डिटेल में समझोगे सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है इसके बाद लास्ट पॉइंट में दिया है वेस्ट डिकम्पोजिशन जो भी हमारे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां टूटकर जमीन पे जब गिर जाती हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक जगह पर डाल दिया जाता है कुछ दिन बाद देखेंगे वो पत्तियां डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है सड़ना शुरू हो जाती है तो वेस्ट जो भी वेस्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन गलना ये भी एक केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स ले लिए हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी ले लिए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं अब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट है उनको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं केमिकल रिएक्शन में ही आगे है केमिकल रिएक्शन हैज टू कंपोनेंट केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं पहले को कहेंगे रिएक्टेंट्स और दूसरे को कहेंगे प्रोडक्ट दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं फिर दोनों के लिए इकट्ठा एग्जाम्पल ले लेंगे रिएक्टेंट्स में दिया है द सब्सटेंसिज हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर आरकार्ड रिएक्टेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेज पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है अगर बात करें प्रोडक्ट्स की तो इसमें दिया है द सब्सटेंसिस फोम्ड इन केमिकल रिएक्शन आर आरकार्ड E

है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को रिएक्टेंट्स कहेंगे और एक सब्सटेंस बनता है जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसको प्रोडक्ट कहा जाएगा अगर इस रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं तो यहाँ पर जो भी एरो लगा होगा उसकी टेल की साइड में यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे सब्सटेंसेस होंगे उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे और एरो के हेड की तरफ एरो के राइट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंसेज होंगे उनको प्रोडक्ट कहा जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो ये रिएक्टेंट्स हो, हो जाएंगे और वोटर इस केमिकल रिएक्शन में बनता है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने मैग्नीशियम रिबन बर्ंट इन एयर गिवस मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जब बर्न किया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये एक केमिकल रिएक्शन है जब मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि, कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाएगा तो बर्न किस वजह से पॉसिबल हो पाता है ऑक्सीजन की वजह से यानी एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे

एरो यहाँ पर लगाया गया है एरो की टेल यानी कि पूछ की तरफ जो भी सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और जो नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड एरो के हेड की तरफ ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा बहुत आसान है ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे और ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होते हैं नए बनते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाएगा यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी ले लिए हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं अब तक अब नेक्स्ट वेज से शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशंस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस पर सो केमिकल इक्वेशंस के बारे में सबसे पहला पॉइंट दिया है अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको शो करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज किया जाता है अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसको किस तरह से लिखा जाता है ये हमें सेकेंड पॉइंट में बताया गया है सो सेकंड पॉइंट में है इट इन्वोल्व सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस

इसी तरह से ऑक्सीजन भी कभी भी अकेला नहीं रहता है इसके भी दो एटम इकट्ठे रहते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एरो जो भी सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं उनको लिख देंगे बीच में सभी के प्लस का साइन आ जाएगा उसके बाद एरो लगाया जाएगा और यहां पर आएगा हमारा प्रोडक्ट जो है वाटर और इसका फार्मूला होता है सिंबल होता है H2O ओ हाइड्रोजन का सिंबल H2 ऑक्सीजन का सिंबल O2 और वाटर का फॉर्मूला या फिर सिंबल हो जाएगा हमारा H2O ये हमारी हो गई है केमिकल इक्वेशन लेकिन अभी भी हमने फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है फिजिकल स्टेट क्या होती है सॉलिड होता है लिक्विड होता है गैस होता है और एक्वास होता है सोलिड के लिए स्मॉल एस का यूज करेंगे लिक्विड के लिए स्मॉल एल का गैस के लिए स्मॉल जी का और एक्वास के लिए ए क्यू का यूज किया जाएगा एक्वास क्या होता है आपको बताया जाएगा अभी सिर्फ इतना समझो कि एक्वास के लिए ए क्यू का यूज करना है आपको पता है हाइड्रोजन गैस है तो गैस के लिए क्या करना है स्मॉल जी का यूज करना है जो भी हमारा ये सब्सटेंस है इसके आगे एक छोटा सा ब्रैकेट लगा के यहां पर इसे मेंशन कर देंगे स्मॉल जी इसमें लिख देंगे बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन भी हमारी एक गैस है तो इसके सामने भी यहाँ पर जी लिख दिया जाएगा ये पता चलेगा इससे कि ये गैस है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एच टू ओ पानी होता है वॉटर होता है जो की लिक्विड स्टेट में होता है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिख दिया जाएगा लिक्विड इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ जिसे और अच्छी तरह से आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है मैग्नीशियम का सिंबल होता है गाइज hey एमजी उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे रिएक्शन किसके साथ करता है ऑक्सीजन के साथ तो ओ2 आ जाएगा जो भी रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सब्सटेंसेस थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं तो अब आएगा एरो एरो के बाद लिखा जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते क्या हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आ जाएगा एमजी ओ oh, अब जो भी इन सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट है वो भी हमें करनी है मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो, तो बर्न करेंगे की में, तो हमें मिलेगा, जो कि एक पाउडर की तरह होता है तो यहाँ पर ये सॉलिड होगा पाउडर हमेशा सॉलिड ही होता है केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत आसान है जो भी सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड होंगे उनके सिंबल्स या फिर फॉर्मुलों का यूज करना है अब यहाँ पर एक्वस के बारे में भी समझ लेते हैं एक्वस सोल्यूशन क्या होता है इट इज अ सोल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वॉटर एक्वस सोल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वॉटर सोलवेंट होता है यानी कि वॉटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है इसका एक अच्छा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है इसके अंदर पानी है और इसमें सोल्ट भी हमने मिक्स कर दिया है तो ये होगा सोल्ट का एक्वा सोल्यूशन सिंपल वर्ड्स में अगर वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा उसी सब्सटेंस का एक्वास सोल्यूशन एक्व सोल्यूशन से रिलेटेड अगर आपका अभी भी डाउट है तो एक्व सोल्यूशन का एक एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा जैसे ही एक्व सोल्यूशन वाले प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड होगी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा आ जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन से वापस अपनी केमिकल इक्वेशंस पर ध्यान से देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर दो एटम हैं ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम हैं अब राइट हैंड साइड में भी चेक करो हाइड्रोजन के दो एटम हैं यहां पर भी हाइड्रोजन के दो एटम हैं ऑक्सीजन के यहां पर दो एटम हैं लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास में कुछ भी नहीं लिखा गया इट मींस यहाँ पर एक ही एटम है ऑक्सीजन का अब रिएक्शन होने के बाद एक ऑक्सीजन का एटम कहाँ गायब हो गया बिल्कुल इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में भी देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है इस साइड में भी एक एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर सिर्फ है। एक ही एटम है तो यहां से भी ऑक्सीजन का एक एटम कम हो गया है और ये कम नहीं हुआ है गाइज जो भी हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उनको बैलेंस किया जाता है अब बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है ये सारी चीजें समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम ये सो so, एग्जाम्पल में हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जो पीछे वाले पेज पर भी थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वॉटर बनाते हैं अगर इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है ये तो सी इक्वेशन है तो इजिली किया जा सकता है जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं इस साइड में भी जाएंगे तो हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं एटम है, इस साइड में जाएंगे राइट हैंड साइड में एक ही एटम है तो हमें ऑक्सीजन को यहां पर बैलेंस करना होगा जितने ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए सो इसमें क्या किया जा सकता है जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसमें जो एटम्स लिखे गए हैं यहां पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं हम इस इक्वेशन के इस टर्म के आगे कुछ ऐड कर सकते हैं कुछ भी नंबर अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन कम यहाँ पर है तो इस वाली टर्म के आगे कोई नंबर ऐड किया जा सकता है दो यहाँ पर कम है तो इस टर्म के आगे हम टू ऐड कर देते हैं टू ऐड करने पर क्या होगा टू टू सा फोर तो हाइड्रोजन हो गई हमारी और ऑक्सीजन का वन एटम है टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगी यहाँ पर टू ध्यान से देखो ऑक्सीजन के दो एटम यहाँ पर हैं और इस टर्म के आगे हमने टू ऐड कर दिया है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की दो एटम हो गए लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस नहीं कर दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम हैं टू टूजा फोर यहाँ पर चार एटम हैं। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई सो हाइड्रोजन को देखेंगे अब यहाँ पर टू टूजा फोर हो जाते हैं तो इस साइड में भी हमें फोर करने होंगे अब इस साइड में फोर कैसे किया जा सकता है अगर हम इस एच के आगे की तरफ यहाँ पर कर दें तो फोर हाइड्रोजन के एटम्स यहां पर मिल जाते हैं जो भी नंबर हम एड करेंगे उसके बाद चेक करना होगा कि क्या ये बैलेंस हो गई है चेक कर लेते हैं टू टू झाफो यहां पर हाइड्रोजन के फोर एटम्स हैं और टू टूजा फोर यहां पर भी हाइड्रोजन के फोर एटम्स हैं ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम्स हैं यहां पर हमने टू लगाया है इस टर्म के पहले ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम है उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ऑक्सीजन के भी दो ही एटम हो जाते हैं यानी कि ये हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस जो भी इक्वेशन हमने बैलेंस की है इसको दोबारा से लिखेंगे टू एच टू इसकी फिजिकल स्टेट के साथ ये गैस होता है उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओ टू ये भी गैस होती है इसके बाद एरो लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा गा हमारा टू एच टू ओ और ये होता है हमारा लिक्विड इक्वेशन को बैलेंस कर दिया और उसकी फिजिकल स्टेट के साथ है। लिख दिया तो ये कंप्लीट हो जाती है इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन थी बैलेंस करना बिल्कुल ईजी था लेकिन अगर कोई बड़ी इक्वेशन दी गई हो तो उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे बुक में हमें किस तरह से कहा गया है बैलेंस करने के लिए ये समझ लेते हैं इजी वाला मेथड मैंने आपको बता ही दिया है लेकिन बुक वाला मेथड भी आपको बताना जरूरी है जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसके लिए हमने ये इक्वेशन ले ली है इस इक्वेशन में एफ ई ये सिंबल होता है गाइस आयरन का सो आयरन वॉटर के साथ रिएक्ट करता है और बनता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में बाहर निकल जाती है अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बैलेंस करने के लिए टेबल बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा एलिमेंट्स उसे नेक्स्ट वाले में लिखा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑन एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और नंबर ऑफ एटम्स ऑन आर एच एस प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा अब इस टेबल को फिल करेंगे इस इक्वेशन को देख के एलिमेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हमें फिल करने हैं कौन कौन से एलिमेंट है, यहां पर एफ ई है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है सो यहां पर आ जाएगा हमारा एफ ई हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑन एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं Fe के हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के ये हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं इनके सामने सो so, Fe का कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया यानी कि एक एटम है सो so, Fe का लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन के यहां भी कुछ नहीं है तो एक एटम होगा हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का एक है इसी तरह से थ्री right कितने -कितने हैं और हाइड्रोजन के दो so Fe का थ्री हाइड्रोजन के आ जाएंगे टू और ऑक्सीजन के आ जाएंगे फोर सिंपल वर्ड्स में केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस होती है जब लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एफ ई का वन है और यहाँ पर थ्री है इसको हमें थ्री बनाना होगा तब एफ के एटम्स बैलेंस होंगे so, इस one को थ्री बनाने के लिए क्या किया जा सकता है थ्री से मल्टीप्लाई किया जा सकता है सो so, वन को थ्री से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वन थ्री जा हो जाता है थ्री अब जो भी यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई किया है इसको एफ ई के सामने लिखना होगा ये हमारा एफ ई है इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे थ्री अगर आप चेक करोगे इस इक्वेशन में एफ ई -E के यहाँ पर थ्री एटम हैं और एफ ई -E के यहाँ पर थ्री एटम हैं। एफ ई -E हमारा बैलेंस हो गया है इसके बाद इससे अगला एलिमेंट देखो हाइड्रोजन यहाँ पर दो एटम है यहाँ पर भी हमारे दो एटम है हाइड्रोजन के दो एटम हाइड्रोजन के दो एटम हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है इसके बाद ऑक्सीजन पर आ जाते हैं ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में वन एटम है और राइट हैंड साइड में फोर एटम है यहाँ पर वन एटम है यहाँ पर फोर एटम है सो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर वन को फोर बनाना होगा तभी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे वन को फोर बनाने के लिए यहाँ पर हमें फोर से मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है अब यहाँ पर तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं हम इस इस टर्म के आगे यहां पर पर ऐड किया जा सकता है सो फोर यहां पर लिखेंगे इस फोर का मतलब होगा कि जो भी इसमें एलिमेंट्स उनके एटम्स फोर टाइम्स हो जाते हैं चार गुना हो जाते हैं हाइड्रोजन के एटम्स भी फोर टाइम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के एटम्स भी फोर टाइम्स हो जाएंगे चेक कर सकते हो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई है फोर को यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के फोर एटम हो जाते हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के फोर एटम ही हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई फोर टू ज़ा एट एटम्स यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही एटम हैं जो यहाँ पर हमने ये लगाया है, इसका मतलब क्या है? कि ये जो हमारा है इसमें फोर मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है एट एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भी एट एटम्स होने चाहिए तो यहाँ पर इसमें क्या करें टू को एट बनाने के लिए क्या करेंगे फोर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फोर हमने राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है सो so, यहाँ पर है हाइड्रोजन इसके आगे अगर हम फोर लगा देंगे तो फोर टू जा एट एटम्स हो जाते हैं हाइड्रोजन के अब टेबल से ही आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई है या फिर नहीं हुई लेफ्ट हैंड साइड में एफ के कितने हैं वन में थ्री एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में फोर एटम्स के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी फोर एटम्स हैं। यानी कि ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है अब जो भी हमने इक्वेशन बैलेंस की है इसको दोबारा से लिख देंगे इसकी फिजिकल स्टेट के साथ सो so, यहाँ पर आ जाएगा हमारा थ्री एफ ई ये होता है गाइजर सॉलिड इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे फोर एच टू ओ ये होता है हमारा लिक्विड इसके बाद एरो लगाएंगे यहाँ पर आएगा हमारा एफ ई थ्री ओ फोर ये भी हमारा सॉलिड होता है इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा फोर एच टू ये हमारा होता है गैस हाइड्रोजन गैस होती है ये यहाँ पर हमने इक्वेशन को बैलेंस किया बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को उसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिख दिया जिससे ये वाली इक्वेशन हो जाती है एक कंप्लीट Equation. हमने हमने पर दो equations को दो को अलग-अलग से से किया है, एक तो हमने simple method से इस इक्वेशन को बैलेंस किया और table वाले से से इस equation को balance किया। सो आपको कौन सा method अच्छा लगा, कौन सा अच्छी तरह से समझ में आया, ये comment करके जरूर बताना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा सो कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड जो सिंपल मेथड है इस पे एक अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें इजी से लेकर टफ इक्वेशंस तक को बैलेंस कराया गया है और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इक्वेशन बैलेंस करने से रिलेटेड आपका अगर कोई डाउट है तो सिंपल मैथड से इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हमने यहाँ पर इक्वेश को बैलेंस तो कर लिया लेकिन हमें ये नहीं नहीं पता है अभी तक कि इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है ये जान लेते हैं नेक्स्ट पेज पर स अ केमिकल इक्वेशन कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है इसके पीछे एक रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लॉ हमें कहता है की मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड इनमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं सो इसकी स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल होगा नंबर ऑफ एटम्स इन केमिकल केमिकल रिएक्शन रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो सेम होंगे क्योंकि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसीलिए रिएक्टेंट साइड में जो भी हमारे एलिमेंट हैं इनके एटम्स होंगे और प्रोडक्ट साइड में इनके एटम्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए इस सिंपल सी स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे ये बताता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी सो so, मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चैप्टर में अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को डिटेल में समझ लिया है एग्जाम्पल्स के साथ लेकिन चैप्टर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में इस टेलीग्राम में आपको जो भी चैप्टर्स होते हैं उनके एन सोल्यूशन मिलेंगे नोट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे एम सी क्यूज मिलेंगे इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सो so अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाले कॉन्सेप्ट के साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं एक एक करके सभी को समझेंगे इसमें सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सो इसमें दिया है इट इज द रिएक्शन इन टू और मोर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा तो रिएक्टेंट्स होंगे जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे यानी सिंपल सी कंडीशन है रिएक्टेंट्स में तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट में एक ही होना चाहिए इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो किस तरह की हमें दिखाई देगी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कोई ए एलिमेंट या फिर कंपाउंड है सब्सटेंस है ये रिएक्शन करता है बी के साथ रिएक्टेंट में हमारे पास दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जो भी रिएक्टेंट में हमारे हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह का जो भी रिएक्शन आपको दिखाई देगा उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर एग्जाम्पल में सबसे पहले है बर्निंग ऑफ कोल कोयले को अगर बर्न किया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है रिएक्शन कैसा होगा इक्वेशन से समझ में आ जाएगा कोयला यानी कि कार्बन सी आ जाएगा इसका सिंबल उसके बाद कोयले को अगर हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस होती है ऑक्सीजन सो कार्बन को अगर बर्न किया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब कोयले को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड साइड गैस उसमें से निकल जाती है ये सिंपल सा रिएक्शन है आप देख सकते हो यहाँ पर दो हमारे रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है सो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब जो भी ये केमिकल इक्वेशन है क्या ये बैलेंस है ये भी चेक करना हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है सो तो यहाँ पर कार्बन का एक एटम है यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम है ऑक्सीजन के दो एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है तो इक्वेशन पूरी तरह से ये बैलेंस है लेकिन इक्वेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो भी फिजिकल स्टेट है वो नहीं लिखी गई है मैंशन नहीं की गई है हम कर देते हैं कार्बन जो कि सॉलिड होता है ऑक्सीजन आपको पता ही है गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है इक्वेशन कंप्लीट हो गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले एक, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वॉटर यानी कि एच बनाते हैं यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारे पास दो रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है सो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक हो तो उसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन सो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये बैलेंस नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए आपको पता है ना क्या करना है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर टू लगा देना है इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है पीछे वाले पेज पर ही आपको बताया गया था सो इक्वेशन बैलेंस हो गई है इसकी फिजिकल स्टेट भी यहां पर लिख देंगे हाइड्रोजन गैस होती है ऑक्सीजन भी गैस होती है और वाटर हमारा लिक्विड होता है इक्वेशन हो गई है कंप्लीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा एग्जाम्पल्स भी यहां पर हमने

हो सकते हैं अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की chemical equation की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह की हमें दिखाई देगी। हमारे पास एक होगा कीजिए हमारा कोई रिएक्टेंट है और केमिकल रिएक्शन होगा तो जो भी हमारा एक रिएक्टेंट है ये दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एक रिएक्टेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं इस तरह की इक्वेशन दिखाई देगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है सबसे पहला थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड होगा इलेक्ट्रोलाइटिकोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं सबसे पहले देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग थर्मल डीकम्पोजिशन में जो भी डीकम्पोजिशन है वो हीटिंग से किया जाता है यानी किसी एक सब्सटेंस को हीट करेंगे केमिकल रिएक्शन होगा वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा यहाँ पर है CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगी सी कैल्शियम ऑक्साइड और इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है इसके बाद CO2 ये आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा दो प्रोडक्ट में सी ए ओ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रिएक्टेंट में हमारे पास एक सब्सटेंस है एक कंपाउंड है लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीजें हैं तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे इस रिएक्शन में हमने हीटिंग से किया है तो इसको थर्मल डीशन रिएक्शन कहा जाएगा बिल्कुल आसान है रिएक्टेंट एक होना चाहिए और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं तो उसे डीकोजिशन रिएक्शन कहेंगे और डीकम्पोज अगर हम हीट से करेंगे तो उसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहा जाएगा इसको हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया है अब नेक्स्ट पेज पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है ये समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप है, इसमें दिया है reaction, में, पास करके किया जाता है एग्जांपल से समझ लेते हैं इजी हो जाएगा एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है एच यानी की वॉटर जब वॉटर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिंपली यहाँ पर देख सकते हो एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में दो चीजें हैं हमारे पास तो इस तरह के रिएक्शन को डिकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा और ये डिकंपोजिशन हमने कैसे किया है इलेक्ट्रिसिटी पास करके तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकंपोजिशन भी कह सकते हैं वॉटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो हमें ये मेंशन करना होगा केमिकल इक्वेशन में इसे एरो के ऊपर सो इसे एरो के ऊपर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी एच टू ओ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हमने ले लिया अब ये होता किस तरह से है थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं डायग्राम में हमारे पास एक बैटरी है बैटरी के पॉजिटिव साइड से हमने एक ग्रेफाइट रोड कनेक्ट की है जिसे जिसे एनोड कहा कहा जाएगा जाएगा और बैटरी के नेगेटिव से हमने एक एक ग्रेफाइट ग्रेफाइट रोड कनेक्ट की है है कैथोड कहा जाएगा। इन रोड को एक बीकर के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और दो टेस्ट ट्यूब पलट के इन ग्रेफाइट रोड के ऊपर रखी गई है उसके बाद जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो एनोड और कैथोड दोनों पर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे जो भी वॉटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा एनोड यानी कि पॉजिटिव साइड ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे और कैथोड यानी कि नेगेटिव साइड हाइड्रोजन के बबल्स बनने लग जाएंगे और जो भी हमने टेस्ट ट्यूब को पलटकर इन ग्रेफाइट रोड्स के ऊपर रखा है वो गैस इन टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी कलेक्ट यहाँ पर हो जाएगी ध्यान रखना एनोड यानी कि पॉजिटिव पर ऑक्सीजन होगी कैथोड यानी कि नेगेटिव पर हाइड्रोजन होगी और यहाँ पर एक बात और ध्यान आपको रखनी है कि जो भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर मिलेगी हमें उससे डबल हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी ऐसा क्यों है ऐसा में में ही जो वाटर का है है इसी में हमको दिखाई देता हाइड्रोजन के यहाँ पर दो एटम है लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है यानी कि ऑक्सीजन से डबल यहाँ पर हाइड्रोजन है इस वोटर के अंदर तो ऑक्सीजन जितनी भी हमें मिलेगी उससे डबल हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी इस टेस्ट ट्यूब में जो भी हमारी ये एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंट है हम इसको खुद से भी परफॉर्म कर सकते हैं इस पे एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सो उस वीडियो का टाइटल भी रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा सो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन यहाँ पर हमने समझ लिया है एग्जाम्पल के साथ अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट से होता है इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास है ए जी सी एल यानी कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर का सिंबल होता है ए जी सो ये हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा सिल्वर और क्लोरिन गैस निकल जाएगी ए जी हमारा सिल्वर होगा और सी एल टू ये हमारी क्लोरिन गैस बन के निकल जाएगी इस कंपाउंड से सिंपली आप पर देख सकते हो एक हमारे पास रिएक्टेंट है अगर इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो इस रिएक्शन को कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये डिकोजिशन सनलाइट से हुआ है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसे कह सकते हैं जो भी ये केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है अब रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो भी ये केमिकल रिएक्शन है इसका यूज पहले किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए अभी तो सिंपल है ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर लगा दो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हो जाते हैं पहले मोबाइल कैमरा जब नहीं होता था जब इस रिएक्शन का यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए अब जो भी ये रिएक्शन है इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे पास ये चाइना डिश है चाइना डिश के अंदर जो आपको ये व्हाइट दिखाई दे रहा है ये है एजीसीएल यानी कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है इस सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर रखेंगे और सनलाइट में रख देंगे सूरज की रोशनी जैसे ही इस पे पड़ेगी कुछ देर के बाद ये अपना रंग बदलने लगेगा पहले कलर व्हाइट था जब इसको सनलाइट में रखा गया तो कलर ग्रे चेंज हो जाता है सिंपली सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में व्हाइट से ग्रे में चेंज हो जाता है डीकम्पोज हो हो जाता है सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर बचेगा और जो क्लोरीन है वो गैस बनके निकल जाएगी सो ये था हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल भी है यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ अगर सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि ए जी इसको अगर सनलाइट में रखेंगे तो इस कंडीशन में भी हमें यहाँ पर ए मिलेगा और जो ब्रोमीन गैस है वो बाहर निकल जाएगी ये हमारी गैस बन के निकल जाएगी सनलाइट में यहां पर भी एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है तो ये भी रिएक्शन होगा और ये भी सनलाइट की वजह से होता है तो इसे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं ये वाला डीकम्पोजिशन और ये वाला डीकम्पोजिशन दोनों सनलाइट की वजह से हुए हैं तो कंडीशन हमें मैंशन करनी होगी इस एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट दोनों एरो के ऊपर हमने कंडीशन भी मैंशन कर दी है सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं इसके साथ साथ हमने तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लिया है एग्जाम्पल के साथ तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के टाइप के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें दिया है इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टिव एलिमेंट एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सोल्यूशन में से इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की होगी ए प्लस में बी सी रिएक्शन होने के बाद क्या होगा ए सी प्लस में बी इस रिएक्शन में ए हमारा एक एलिमेंट होगा बी सी

एग्जाम्पल से समझ लेते हैं काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए सो एग्जाम्पल में हमारे पास एक एलिमेंट है एफ ई आयरन होता है ये आयरन जब सी सल्फेट फोर यानी रिएक्शन करेगा तो रिएक्टिव को, तो होता है आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है इस कोपर से ये ज्यादा रिएक्टिव है इसके पास ज्यादा पावर है तो ये क्या करेगा सी एसओ फोर में से सीयू को भगा देगा और एसओ फोर के साथ खुद जुड़ जाएगा जब रिएक्शन होगा तो SO4 फोर यहां पर होगा लेकिन कॉपर जो यहां पर था उसकी जगह पर आ जाएगा एफ ई यानी कि आयरन और जो हमारा कोपर था वो अलग निकल जाएगा एफई ज्यादा रिएक्टिव है सीयू कम रिएक्टिव है तो एफ ई ने यहाँ पर क्या किया सीयू को डिस्प्लेस कर दिया इसी के सोल्यूशन में से इस रिएक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी कि कॉपर सल्फेट का सोलूशन लेंगे जो की ब्लू कलर का होता है जो आपको इस टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे रहा है इस सीयूएसओ फोर का रिएक्शन हमें आयरन के साथ कराना है तो एक आयरन नेल इस सीयूएसओ फोर में रख देंगे ये थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होता है तो इस आयरन नेल को कुछ देर इसी में रखा रहने देंगे कुछ देर के बाद आप इस सोलूशन को जब देखोगे तो जो ब्लू कलर का सोलूशन था वो चेंज हो जाता है इस तरह के ग्रीन सोल्यूशन में पेल ग्रीन कलर में।, और जो इस में हमारी आयरन नेल थी वो जितनी भी में डूबी होगी वहां तक वो ब्राउन हो जाएगी सो क्या हुआ इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था इसमें हमने आयरन नेल डिप की तो जो भी इस सोल्यूशन में कॉपर था आयरन ने उसको हटा दिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कोपर को हटा दिया और खुद कोपर की जगह ले ली और बन गया यहाँ पर फेरस सल्फेट आयरन को फेरस कहा जाता है फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं जो ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन होगा ये हो जाएगा हमारा आयरन सल्फेट पहले ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था वो CuSO4 फोर था रिएक्शन होने के बाद जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन हुआ वो हो जाएगा हमारा एफ ई फोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर था वो कहा गया इस आयरन नेल पर इकट्ठा हो गया जो भी ब्राउन कलर का सब्सटेंस इस आयरन नेल पर इकट्ठा हुआ है वही कॉपर होगा इस रिएक्शन से रिलेटेड यहाँ पर हमें एक पॉइंट भी दिया गया है आयरन नेल कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोलूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट सोलूशन आयरन नेल क्या करती है कॉपर कॉपर को डिस्प्लेस करती है सल्फेट सोल्यूशन में से और बनाती है आयरन सल्फेट सोलूशन यानी कि एफ ई एसओ फोर जो की ये ग्रीन कलर का है जो भी हमारा ये केमिकल रिएक्शन है इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हमने समझ लिया है इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी आपको एक्सप्लेन मैंने कर दी है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट अब इसे नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर

हटा देगा और डी के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ए डी बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो सी है ये ए को डिस्प्लेस कर देगा ए बी में से बी के साथ ये खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा सी बी यहाँ पर आप देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है सी डी में से ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया और ए बी में से सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया प्रोडक्ट मिला ए डी प्लस में सीबी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छी तरह से आप समझ पाओगे एग्जाम्पल में हमारे पास है एन ए टू एस ओ फोर यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस में बी ए सी एल टू यानी कि बेरियम क्लोराइड जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस कंपाउंड में जो बेरियम है ये इस सोडियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा बनेगा बेरियम सल्फेट बिल्कुल इसी तरह से इस वाले कंपाउंड में जो एन ए यानी कि सोडियम है ये यहाँ से बेरियम क्लोराइड में से बी एनि यानी कि बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और कंपाउंड बनेगा NaCl क्लोरीन के साथ सोडियम जुड़ जाएगा बेरियम ने यहाँ पर सोडियम को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ जुड़ गया और बन गया BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बिल्कुल इसी तरह से सोडियम ने यहाँ पर BaCl में से Ba यानी कि बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया यहां पर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl दो कंपाउंड्स पर हमारे पास थे Ba ने Na को डिस्प्लेस किया और Na ने Ba को डिस्प्लेस किया और दो नए कंपाउंड हमें मिल गए तो इसी का जो रिएक्शन होगा उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि आय का एक्सचेंज किस तरह से हुआ है तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास बेरियम है तो यहां पर मैं लिखता हूँ बी बेरियम पे चार्ज होता है टू पॉजिटिव का जब भी हम किसी एलिमेंट पे चार्ज लिखते हैं तो नंबर हमारा पहले आता है और वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव उसका सिंबल बाद में लिखा जाता है सो so, ये बेरियम हो गया हमारा अब ये जिसके साथ जुड़ता है यानी कि एस ओ फोर इस पे कितना चार्ज होता है यहाँ पर लिख लेता हूँ SO4 फोर इस पे चार्ज होता है टू नेगेटिव का बेरियम पे चार्ज है टू पॉजिटिव और सल्फेट पे चार्ज है टू नेगेटिव तो ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे बन जाएगा बी एस ओ फोर टू पॉजिटिव टू नेगेटिव ये न्यूट्रल हो जाएगा बेरियम सल्फेट हमें मिल जाएगा सो so, का एक्सचेंज किस तरह से हुआ है ये भी यहाँ पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया बेरियम ने सोडियम सल्फेट में से सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम ने बेरियम क्लोराइड से बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और आय का एक्सचेंज किस तरह से हुआ है ये भी यहाँ पर हमने समझ लिया है इसके बाद एक चीज और समझनी होगी हमें यहाँ से एन ए टू फोर ये हमारा एक्वा सोल्यूशन है इसकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे ए क्यू आएगा जो भी फिजिकल स्टेट है वो यहां पर लिखी जाती है लेकिन जगह कम है इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं इसी तरह से बी ए सी एल ये भी हमारा होता है एक्वस सोल्यूशन इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है बी ए एस ओ फोर यानी कि बेरियम सल्फेट ये सोलिड होता है और सोलिड किस तरह से हुआ है ये भी एक्सप्लेन आपके लिए करूंगा यही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर इसके साथ ही हमें मिलता है एन ये हमारा

सोलिडेज फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास दो लिक्विड सोल्यूशन है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो है, 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 है. तो इस इसको और डिटेल में लेकर जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है सपोज कीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हमने एन ए टू एसओ फोर और बी ए सी एल दोनों सब्सटेंसेज को दोनों

िसिपिटेट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया है इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाएगा उसकी वीडियो देख लेना इजी क्लियर हो जाएगा तो इन सभी चीजों के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट फिफ्थ टाइप कौन सा है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं केमिकल का फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं पहले है यहां पर ऑक्सीडेशन इसमें दिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस सिंपल वर्ड्स में किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन एड होगी जुड़ेगी तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे या फिर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन हट जाए हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन ही होगा एग्जाम्पल लेंगे लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं रिडक्शन के बारे में इसमें दिया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना हटना रिडक्शन कहलाएगा बिल्कुल इसी तरह से सब्सटेंस से हाइड्रोजन का जुड़ना इसको भी रिडक्शन कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास यहां पर है सी यू यानी कि को, कोपर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में मिलता है सी यू ओ यानी कि कॉपर ऑक्साइड पर हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कॉपर है यहाँ पे आके बन गया कॉपर ऑक्साइड अकेला कॉपर था इधर आने पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस कॉपर का रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन इसके साथ एड हुई है तो ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीजन अगर हटती तो रिडक्शन हो जाता बिल्कुल सिंपल है चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर है सीयूओ यानी कि कॉपर ऑक्साइड ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो हमें मिलता है कॉपर प्लस में H2O यानी कि वॉटर फिर से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखो कॉपर ऑक्साइड है इधर हमें क्या मिला कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है तो रिडक्शन ऑक्सीजन हटी है तो यहाँ पर कोपर का रिडक्शन हुआ है इसके अलावा एक पॉइंट और नोटिस यहाँ पर करो हाइड्रोजन है इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन था यहां पर ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन लिखता हूं यहां पर बिल्कुल आसान हो गया CuO से Cu हो गया ऑक्सीजन हट गई तो ये रिडक्शन हो गया H2 से H2O हो गया ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इस रिएक्शन में आपने नोटिस किया ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो दोनों चीजें अगर होंगी तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन रिएक्शन भी भी हो जाए, भी हो जाए जाए तो ये नाम होगा का या फिर इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है रेडोक्स रिएक्शन कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो रेडोक्स रिएक्शन उसे कहा जा सकता है एग्जाम में कई बार आता है की रेडोक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए तो ये रेडोक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिख दिया है रेडोक्स रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली वीडियो में इस पेज पर हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया रिडक्शन समझ लिया एग्जाम्पल देख लिया इसके अलावा रेडोक्स रिएक्शन भी हमने यहाँ पर समझ लिया है तो केमिकल रिएक्शन का फिफ्थ टाइप हो जाता है कंप्लीट। केमिकल रिएक्शन के टोटल फाइव टाइप्स होते हैं सभी को हमने एक एक करके समझ लिया है एग्जाम्पल्स के साथ अब चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन काफी करता है. किस -किस तरह से करता है? एक, एक करके समझ लेते हैं फॉर लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच द मेटल हेंस मेटल इज सेट टू बी कोरड जब कोई भी मेटल एयर मॉइस्चर वॉटर या फिर एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है कुछ समय तक तो उस उसपे एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की जो भी मेटल की सरफेस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे मेटल वीक हो जाता है और इसी को कहा जाता है कोरोजन या फिर मेटल कोरड हो गया है इसका एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छी तरह से आप समझ पाओगे सबसे फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर जंग लगना आयरन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपने नोटिस किया होगा की कि आयरन कुछ दिन ऐसे ही रखा रहेगा तो उसके सरफेस पे एक ब्राउन लेयर बननी शुरू हो जाती है और वो ब्राउन लेयर क्या होती है आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है वो ब्राउन आयरन ऑक्साइड आयरन को वीक कर देता है बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पॉइंट में है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर को काफी दिनों तक अगर हम रखा रहने देंगे तो उस उसपे एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है काले रंग की परत चढ़ जाती है जिससे सिल्वर वीक हो जाता है ये काफी लंबा प्रोसेस है धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है इसलिए जो भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह होती है उनकी सर्विसेज कराई जाती है उनको शाइनी करने के लिए ज्वेलरी वाले के पास लेके जाते हैं वो उनको साफ करके देता है बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पॉइंट में दिया है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हमारा कोपर मेटल होता है इस पे एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है कोपर को कुछ दिन रखे रहने दो या फिर कॉपर वॉटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो दो से तीन दिन बाद आप देखोगे कोपर पे एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर बनने लगी है वो ग्रीन लेयर कोपर को वीक कर देती है copper का सरफेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है धीरे धीरे वो कॉपर को वीक कर देती है हमारी इस छोटी सी दुनिया में बहुत सारी चीजें मेटल से बनी है बिल्डिंग्स बनाने के लिए मेटल्स का यूज किया जाता है गाड़िया मेटल से बनी होती है पुल मेटल से बने होते होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं, वो मेटल से बने होते हैं या फिर उनमें तो और ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है तो उसके लिए यहाँ पर है हाउ टू प्रिवेंट कोरिजन इसमें दिया है कोरिजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग ग्रीजिंग गैलविनाइजेशन क्रोमियम प्लेटिंग एलोइंग मेटल्स जो भी मेटल्स हैं उनको बचाया जा सकता है उनपे पेंट किया जा सकता है जैसे जो भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं आयरन की हमारे स्ट्रक्चर बने होते हैं उनपे पेंट किया जाता है अगर हम उनपे पेंट कर देंगे तो जो भी आयरन की सरफेस है वो पेंट से कवर हो जाएगी और ऑक्सीजन उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा पेंटिंग के अलावा ग्रीसिंग अगर करेंगे तो सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ग्रीस अप्लाई करेंगे तो एयर उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी ऑक्सीजन उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा इसके अलावा गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है किसी भी मेटल पे गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है बिल्कुल इसी तरह से क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है क्रोम की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है मेटल पर जिससे मेटल काफी शाइनी दिखता है और वो उसको प्रिवेंट भी करती है कोरोजन से बिल्कुल इसी तरह से मेटल्स के अलोय बनाए जाते हैं मेटल में कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दी जाती है जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है जैसे आयरन और

कौन से मेथड हैं यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं तो कोरोजन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के और भी कई सारे अफेक्ट होते हैं नेक्स्ट अफेक्ट क्या होता है नेक्स्ट वाले पेज पर देखेंगे हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का सेकंड अफेक्ट है रेंसिडिटी ये हमारे खाने से रिलेटेड है तो ध्यान से समझ लेना रेंसिडिटी में दिया है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड हम जो खाना खाते हैं उसमें दो चीजें तो होती ही है फैट्स एंड ऑयल्स अगर ये फैट्स एंड ऑयल एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो इनके साथ रिएक्शन कर लेगी इसी प्रोसेस को कहा जा है रेंसिडिटी जो भी फैट और ऑयल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन इसको कहेंगे तो सुबह बनाया हुआ खाना जो हम सुबह खा लेते हैं उसमें से अगर कुछ खाना बच जाए अगर उस खाने को हम शाम को या फिर रात को जब टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है जो भी हमारा फूड है उसको रेंसिडिटी से कैसे बचाया

पहले बचे हुए तीन पॉइंट भी समझ लो सेकंड पॉइंट है कि फूड इन रेफ्रिजरेटर हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखेंगे तो वो काफी समय तक ठीक रहता है क्योंकि जो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है टेम्परेचर कम होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी स्लो हो जाता है इससे नेक्स्ट पॉइंट में है स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स जहां पर खाना बनता है यानी कि किचन रसोई वहां पर बहुत सारे एयर टाइट कंटेनर्स का यूज किया जाता है ऐसे डब्बे जिनका ढक्कन बंद कर देने पर बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती तो उन एयर टाइट कंटेनर का यूज भी रेंसिडिटी से फूड को बचाना ही होता है अगर एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को रखेंगे तो जो भी बाहर की हवा है वो अंदर नहीं जा पाएगी अंदर वाली जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीडाइज कर देगी लेकिन ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाएगा इसीलिए जो हमारा फूड है वो काफी दिनों तक सेफ रहेगा एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है हमारा पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस हम पापा से दस रुपए लेते हैं दुकान पे जाते हैं वहां से लेते हैं एक चिप्स का पैकेट उसको खोल के देखते हैं तो उसमें थोड़े से चिप्स होते हैं बाकी हवा होती है ऐसा कहा जाता है कि वो हवा है इसमें ऐसी शिकायत रहती है हमेशा लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं जो चिप्स होते हैं उसके अलावा हवा नहीं नाइट्रोजन गैस होती है नाइट्रोजन गैस एक नॉन रिएक्टिव गैस होती

नेक्स्ट पेज पर करते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस से है दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस और समझेंगे जिसमें टेम्परेचर मैटर करता है सो so, सबसे पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें दिया है इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट भी रिलीज होती है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बने ही साथ में हमें हीट भी मिल जाए तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल से समझ जाओगे एग्जाम्पल यहां पर है बर्निंग ऑफ कोल बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है गाइज जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में हमें मिलता है सी ओ टू कार्बन को जब बर्न किया जाता है यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन ही वो गैस है जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमें सीओ टू तो मिलता ही है लेकिन जब कार्बन को बर्न करते हैं तो हीट भी जनरेट होती है हीट भी रिलीज होती है इस सीओ टू बनने के साथ साथ तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा जिसमें हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिल जाए तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस नेचुरल गैस को अगर बर्न करेंगे तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि बर्न करने पर क्या होगा हीट उसमें से रिलीज होगी चलो इसकी केमिकल इक्वेशन भी आपके लिए लिख देता हूं नेचुरल गैस होती हूँ सी एच फोर इसे कहा जाता है मीथेन अगर हम इसको बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस होती है ऑक्सीजन यानी कि नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी रिएक्शन करने पर क्या होगा प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सी ओ टू प्लस में एच टू ओ गैस को बर्न करेंगे यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू ओ हमें मिलेगा इसके साथ साथ हमें हीट भी तो मिलेगी तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट बने हीट रिलीज हो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मस्त बात आपको बताता हूं जो भी यहां पर एच टू ओ है ये हमारा जी लिखा जाएगा यहां पर ये गैस की फॉर्म में होगा सी एच फोर गैस होता है ऑक्सीजन भी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है एच टू ओ वॉटर होता है और वॉटर यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है वोटर की ये गैसियस स्टेट होगी वॉटर की गैसियस स्टेट क्या होती है वेपर्स गाइज वॉटर की सॉलिड स्टेट होती है आइस वॉटर की लिक्विड स्टेट होती है पानी जिसे हम पीते हैं और वॉटर की गैसियस स्टेट होती है वेपर यानी कि इस रिएक्शन में जो हमें वॉटर मिले 이가 वो वेपर्स में मिलेगा वो गैसियस स्टेट में होगा अगर इस तरह की किसी इक्वेशन को आप देखते हैं जिसमें एच टू ओ के साथ में उसकी स्टेट गैसियस लिखी गई हो तो हैरान होने की जरूरत नहीं है इसका मतलब समझ जाना है कि वो वेपर की फॉर्म में है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट भी रिलीज होती है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर समझ लिए हैं केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर से ही रिलेटेड एक रिएक्शन और होता है जिसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें दिया है इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वॉटर इसका एक परफेक्ट एग्जांपल होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है H2O हमारा ये वाटर है इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है सो so, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़े या फिर सनलाइट की एनर्जी हमें उसे देनी पड़े तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे हमने इस रिएक्शन में H2O को इलेक्ट्रिसिटी दी है तो इस एरो के ऊपर मेंशन भी करना होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं हमारे पास है सी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको हीट करेंगे हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है सी ए ओ प्लस में CO2 में कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया एनर्जी दी तो वो डिकम्पोज हो जाता है दो प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ी तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जा सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत सिंपल है प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हमें हीट मिले तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे और प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो एनर्जी देनी पड़े तो उसे

आएगा ही आएगा अगर इक्वेशन इजी मेथड से आपको बताऊंगा किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है का लिंक आपको description box में मिल जाएगा. के जो भी हमारे concept थे, सभी को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है तो चैप्टर हो जाता है हमने भी भी समझ लिया है, भी समझ लिया लिया है, है के साथ यही हमारा का लास्ट था इसी लास्ट के साथ हो जाता है उम्मीद करूंगा सभी आपको समझ आए आए होंगे अगर हैं तो वीडियो को शेयर कर दो और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो तीनों चीजें अभी की अभी कर दो देर मत करो एजुकेशनल कॉन्टेंट इस चैनल पर इसी तरह से आता रहेगा इन सबसे अलग साइंस के जो भी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स हैं टाइम टू टाइम उनको परफॉर्म किया जाएगा वीडियो बनाई जाएगी और वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड की जाएगी जो भी एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल्स की वीडियो होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल्स हैं उनका लिंक तो आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लेकिन और चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनको इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा सो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा So, इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी और एजुकेशनल वीडियो में